यहाँ यमिगनूर में मैं बैठा हूँ, तफसीर आदोनी वाले मेरी तफसीर नहीं सुन सकते, कर्नूल वाले नहीं सुन सकते, हैदराबाद वाले बेंगलुरु वाले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिल्ली वाले मुंबई वाले तो बहुत दूर हो गए, अब इंडिया छोड़ को अमेरिका वाले तो नहीं सुन सकते। मेरा अल्लाह आप अपनी जबान से मत बोलो, अब तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। अल्लाह बोलता मेरे बंदे तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, तो सिर्फ दिल के अंदर ख्यालात पैदा कर, तेरे दिल की आहटों को जानने वाला हूँ मैं, तेरे दिल की आहटों को पहचानने वाला हूँ। तुझे बोलने के बाद मुझे सुनकर समझने की जरूरत नहीं, तेरे दिल में उठने वाले ख्यालात को तक जानता हूँ मैं। उनी वजिदनी इल्मा اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين। आज अल्लाह के फजल से हमने दूसरे तरावी को अदा किया है, उसी मुनासिबत से दूसरा पारा सयाखूल के चंद आयतों का मुख्तसर खुलासा और तफसीर आपके सामने पेश किया जा रहा है, और माह रमज़ान का ये पहला रोज़ा मुकम्मल हमने किया है। अल्लाह हमारे रोज़े और तरावियों को कबूल फरमाए। और इस सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को अता किए जाने वाले इनामात का अल्लाह ने ज़िक्र किया, और इस दूसरे पारे में क़िबले की तहवील के बारे में, तहवील क़िबला, क़िबला चेंज करने के बारे में अल्लाह ने ज़िक्र किया, औरतों के हैज़ के बारे में भी अल्लाह ने मसाइल बयान किए, हज के बारे में भी अल्लाह बताया, तलाक़ के बारे में भी इस पारे के अंदर ज़िक्र है, और आखिर में जालूत बादशाह को तालूत के क़ियादत में लड़ी जाने वाली लड़ाई, दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत ज़ालिम बादशाह को ख़त्ल करने के ज़िक्र के साथ ये दूसरे पारे का इख्तिताम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को बनाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया और फिर दुआ की, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इस काबे को आबाद करने के लिए एक नबी को मबूस फरमा जो तेरी किताब को पढ़कर सुना सके, लोगों को उनके अकायद से पाक कर सके, इल्म की बातें उनके सामने रख कर उनके दिल का तज़किया कर सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल करके कई हज़ारों साल के बाद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मक्के में अल्लाह ने मबूस किया। मक्का काबतुल्लाह बनाने के 40 साल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की ज़मीन पर मस्जिद अक्सा बनाते हैं। ये मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल बनता है मुसलमानों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आरज़ू थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत किए जाने के तकरीबन 16-17 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा ही की जानिब रुख करके नमाज अदा करते थे। आपके दिल में एक तमन्ना थी कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा से मस्जिद नबवी, मस्जिद हरम यानी काबतुल्लाह को अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा को क़िबला बना दे। कबीले बनी सलमा की दावत पर नबी अलैहिस्सलाम गए हुए थे जहर की नमाज में। जहर के खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, बाज़ रिवायत में जहर की नमाज पढ़ा रहे थे। दो रकात नमाज के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको हुक्म दिया कि इसी नमाज में अल्लाह ने क़िबला तब्दील करने का हुक्म दिया, तो बिल्कुल मुखालिफ सिम, जैसे आज हम इंडिया में मगरिब की जानिब मक्का मुकर्रमा की जानिब काबतुल्लाह की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और मशरिक़ की जानिब हमारा क़िबले का पिछला हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मशरिक़ की जानिब मस्जिद अक्सा की जानिब नमाज पढ़ रहे थे, क़िबले की जब तब्दील का हुक्म मिला बिल्कुल मुखालिफ सिमत में पीछे आकर आपने नमाज को तब्दील की। सारे सहाबा ने उसी नमाज में अपने क़िबले को तब्दील किया। मदीने मुनव्वरा में आज भी वो मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल्लितकूनु शुहदा अलन्नास,
और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया, उम्मत वस्त बनाया, ताकि तुम दीगर लोगों की गवाही देने वाले बनो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम पर गवाह बना दिया गया है। इस आयत में व कज़ालिका का जो जुमला है, और इसी तरह मतलब किस तरह, कज़ालिका का जो लफ्ज़ आया है इसमें, इससे पहले बनी इसराइल को जो इमामत का मनसब अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था, इसी तरह हमने आपको उम्मत वस्त बनाया। मैदान महशर में तमाम अंबिया खड़े रहेंगे, हज़रत नूह अलैहि सलातो सलाम कहेंगे, इलाही मैंने 950 बरस तक मेरी उम्मत को तौहीद की दावत दी लेकिन मेरी उम्मत ना मानी। अल्लाह सवाल करेगा कौम नूह से कि क्या आपके नबी ने 950 बरस तक आपको दावत दीन तौहीद बताया? उम्मत इनकार करेगी, नहीं है अल्लाह, नूह अलैहि सलाम हमने क्या अभी नहीं बताए। तब अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बनाकर लाएगा, अरे उम्मत मोहम्मदिया तुम गवाह दो, क्या नूह अलैहि सलाम अपने 950 बरस अपने कौम को तौहीद की दावत दिए नहीं दिए? उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी, या अल्लाह नूह अलैहि सलाम सच कहते हैं, उन्होंने 950 बरस अपने कौम को बुलाया लेकिन कौम इनकार की, आज वो उनकी दावत और तबलीग ही का इनकार कर रहे हैं, कौम नूह झूठी है और नूह अलैहि सलाम सच्चे हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम नूह अलैहि सलाम के ज़माने में ज़िंदा थे? फिर हमको क्यों अल्लाह गवाह बनाकर खड़ा करेगा? ये जो कुरान अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, इस कुरान के अंदर नूह अलैहि सलाम के ज़िंदगी और उनके अहवाल का जो ज़िक्र किया, उस बिना पर हम गवाही देंगे, न सिर्फ नूह अलैहि सलाम के बारे में, हर उम्मत के बारे में उम्मत मोहम्मदिया को लाकर गवाह बनाकर खड़ा किया जाएगा, और हमारे नबी को नबियों पर गवाह बनाया दिया जाएगा। ये एज़ाज़ है हमारा, बहुत बड़ा एज़ाज़ है ये मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पारे के अंदर दूसरे पारे में सयखूल के अल्लाह तबारक व ताला ने 3 हिस्से इसके अंदर बताए। पहला हिस्सा मुस्लिम मुआशरे में इस्लामी तहजीब को कैसे कायम करें, उसके बारे में अल्लाह ने बताया। 165वीं आयत में अल्लाह कहता है, व मिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में से बाज़ वो हैं जो गैरुल्लाह से, गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, और वो अल्लाह से, वो गैरुल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन जो मोमिन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। गैर लोग अपने भगवानों से, अपने बुतों से मोहब्बत करते हैं, मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का माना क्या? मोहब्बत का माना, या अल्लाह हम तेरे बंदे, तू हमारा परवरदिगार, ये तब बोल लेना मोहब्बत की अलामत नहीं है। मोहब्बत की अलामत ये है कि अल्लाह को अल्लाह जाने, अल्लाह के सही मानों में इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। दाता, गंज बख्श, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आज़म, तमाम चीज़ें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक को जाने, अल्लाह के अलावा किसी इंसान को ये ओहदे ना दें, अल्लाह के अलावा किसी पीरों वलियों को ये ओहदे ना दें। गौसे आज़म सिर्फ अल्लाह ताला है, मुश्किल कुशा सिर्फ़ अल्लाह ताला है, गंज बख्श सिर्फ अल्लाह ताला है, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला है। ये चीज़ें कोई नबी भी नहीं कर सकते तो अवलिया क्या कर सकेंगे? जब हम ऐसी तौहीद की बातें पेश करते हैं तो हमारे दीगर भाइयों को तकलीफ़ होती है कि भाई इन्हों अवलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बोल। हम अवलिया का एहतराम करते हैं, दिलो जान से एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि उनको, वलियों को ले जाकर अल्लाह के मर्तबे पर बिठा दें, ऐसी बात गलत है। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तौहीद पर कायम रहते हुए। आप अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, बाप की वफ़ादारी निभाइए। आप बाप से मोहब्बत करते हुए गैरों को भी बाप बाप बोलते फिरेंगे तो ये तो गद्दारी हुई। आप बाप से भी मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरों को भी बाप बना रहे हैं, ये तो गद्दारी हुई ना मेरे भाइयों। आपका बाप दुनिया में एक ही हो सकता है, 4 बाप 10 बाप नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है।
चाहे वलदुस जिना भी क्यों ना हो, वो किसी एक मर्द के नुतफे से पैदा हुआ होगा, दस आदमियों के नुतफे से पैदा नहीं हो सकता। लेकिन इंसान, किसी एक इंसान अल्लाह ताला से जब मोहब्बत करता है तो उसकी वहदानियत पर कायम रहता है। अच्छा, ये अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पूजा करने वालों के बारे में अल्लाह कहता है, इस तबर अल्लज़ीन तबऊ, इस तबर अल्लज़ीन तबऊ मिन अल्लज़ीन तबऊ वरा अल अज़ाब व तख़त्तअत बिहिमुल असबाब। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे, जिन्होंने पैरवी की वो अजाब को जब देख लेंगे तो आपस के इनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। मतलब क्या, एक है मुरीदा एक है मुर्शदा। क़यामत के दिन जब मुरीदान देखेंगे कि हमारे मुर्शदा हम ना पलट को भी नहीं देख रहे, हमारी मदद भी नहीं कर रहे, तो उनसे वो अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे। ये सिर्फ मुरीद मुर्शद को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये मुरीद मुर्शदियत ही की बात नहीं है, ये बुतों की और बुतों की पूजा करने वालों की भी बात है। जिनकी वो पैरवी करेंगे, जिनकी पूजा करेंगे, क़यामत के दिन वो माबूदा ने बातिला उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। जब देखेंगे कि जिनके लिए हमने दुनिया में इबादत करके सारी ज़िंदगी सर्व कर दी, मन्नतें चढ़ाते गए, मलीदे चढ़ाते गए, चादरान चढ़ाते गए, हमने बकरे ज़बा करते गए, आज ये हम ना सुन को भी देख रहे नहीं, पूछ को भी देख रहे नहीं, ये कैसी बात। आपस से ताल्लुकात इनके ख़त्म हो जाएंगे। जिनकी पैरवी की गई वो तो पहचानेंगे भी नहीं उनको। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ये बात बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद हलाल और हराम के बारे में बयान किया 158वीं आयत में, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो, अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों में हलाल और पाक चीज़ें खाया करो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह तबारक व ताला पाक चीज़ें खाओ, शैतान की पैरवी ना को करो बोल रहा। मतलब क्या, शैतान तुमने नापाक चीज़ें खिलाना चाहता। शैतान बोलता, रे तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बैंक से लोन निकाल, चला मस्त चलता देख, ये छोटे मोटा धंधा कहीं करा, बड़ा शोरूम ओपन कर। हालांकि उसकी उतनी ताकत नहीं है शोरूम बनाने की, फिर भी शैतान वसवसे डालता, बैंक से लोन निकाल। लोन बोले तो सूद, नहीं बोले तो वो हमारे कर्नाटक में संगा चलता, यहाँ आंध्रा में पदपू चलता, पदपू से पैसे निकाल, भेज तेरी बीवी को भेज, 10-12 का मिलती वहाँ जाग बैठती, 50,000-1,00,000 कत्ता बोले होता देती, वार वार वड्डी भनते रहना, आराम से तेरा धंधा चलता। ऐसा हराम में इंसान हाथ डालता, अपने हलाल तिजारत को भी हराम पैसे डाल के हराम कर लेता। आप तरकारी बेचो, फ्रूट बेचो, सॉफ्टवेयर दुकान, हार्डवेयर दुकान, पेंट की दुकान, किराने की दुकान, कोई भी रखो, वो तिजारतें हलाल हैं, लेकिन उसमें पैसा अगर आपने हराम का ला कर लगा दिया तो वो तिजारत भी आपके लिए हराम बन जाएगी। अल्लाह बोलता, जितनी चादर है वताज पैर फैला मेरे बंदे, ज़्यादा पैर फैलेंगा चादर फट को जाएंगी, पैराम बाहर पड़ेंगे। मतलब क्या, टांगड़ा जा खबर में पड़ेंगे, तू जा खबर में जहन्नम में पड़ेगा। जितना मैं तुझे हैसियत दिया हूँ वत्ते में खा को मेरा शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ताला फरमाता, कभी भी हराम चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। जो इंसान हराम में जाएगा, हराम खाएंगा, अल्लाह ताला उसकी कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई तरावी, कोई दुआ, कोई इबादत अल्लाह उसकी कबूल नहीं करेगा। शैतान चाहता तुमना हराम खला को तुम्हारी इबादत बर्बाद करना। दूसरी जगह सूरह बकरा में 172वीं आयत में अल्लाह बोलते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की पाक रिज़्क में से खाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर वाकई में तुम उसकी इबादत करते हो। मतलब क्या, रिज़्क़ हलाल खाकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करेगा, रिज़्क़ हराम खाकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला चंद हराम चीज़ों की तफसीलात बयान किया। इससे पहले आपके सामने तफसीर बयान करने के बाद तीन क्वेश्चन किए जाते थे, तीन क्वेश्चनों के आप आंसर देते थे गौर से तफसीर सुनकर, आखिर में उसका टेस्ट एग्ज़ाम होता था,
प्राइज़ दिए जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उस निज़ाम को बाकी रखा गया है। तफसीर गौर से सुनिए, आखिर में सवाल किए जाएंगे, जो जवाब देंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो इनाम एक दुनिया का एक लिहाज है, लेकिन हकीकत में ये कुरान और हदीस का सही इल्म है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, चंद चीज़ों के बारे में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि हमने तुम्हारे लिए मुर्दार हराम कर दिया, खून बहता हुआ खून हराम कर दिया, खिंजीर का गोश हराम कर दिया, वो जानवर भी हराम कर दिया जिसे गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, मगर जिस इंसान पर ज़बरदस्ती किया जाए, मजबूर किया जाए, उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर कोई बगावत करते हुए हद से गुज़रने वाला हो, हद से गुज़र जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला मजबूरी में आकर कोई चीज़ खा ले, उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा जो गुज़र जाए उसके लिए गुनाह है। बेशक अल्लाह बख्शने और रहम करने वाला है। अल्लाह ने मुर्दार हराम किया है तो दो मुर्दार अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस में हलाल हैं। सारे मुर्दार हलाल, लेकिन दो मुर्दार हलाल। एक मछली हलाल, चाहे मर गई तो भी हलाल, समंदर का हर मुर्दार हलाल, और दूसरा टिड्डी, अगर मर जाए तो भी हलाल। चिड्डे टिड्डियाँ खाने की हमना आदत नहीं, अब कौन तो भी खाना शुरू करे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसमें टिड्डी खाना हलाल है, चाहे वो मर जाए तब भी खाना हलाल। खून हराम है, लेकिन दो खून हलाल है, एक तिल्ली एक कलीजी, ये भी खून की शक्ल है। तिल्ली हलाल कलीजी हलाल, लेकिन बहता हुआ खून, खसाब लोग बकरा होंदे गाय होंदे काटने के बाद खटोरे में खून पकड़ती, ज़रा देर के बाद हवा लग को ठंडा हो को कलीजे जैसा घट हो जाता, उसे भी साला मनाले खाती, वो हराम, वो जायज़ नहीं है। और खिंजीर का गोश्त अल्लाह कहीं को बोलिया लहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त कहीं बोलिया, खिंजीर कहीं नहीं बोलिया, खिंजीर बोला तो चमड़ा कहते, हड्डी कहते, गुद कहते, नली कहते, उसका टिक्का कहते, कलीजा गुर्दा सब आ जाता, गोश्त हराम बोले अल्लाह। तो बाज लोगों खोपड़िया दौड़ा को बोलते हड्डी हलाल है, खिंजीर की चर्बी हलाल है, इसीलिए लिपस्टिक में लगा ले कमें थोप लेती, क्या क्या की दौड़ा मेरे भाइयों, खिंजीर हराम है, मुकम्मल तौर पर हराम। भले ही अल्लाह ताला कुरान में लहमल खिंजीर फरमाया, लेकिन हदीस में अल्लाह के नबी ने खिंजीर के बारे में वजाहत के साथ फरमाते हैं कि खिंजीर खिंजीर की सारी चीज़ें हराम, लिपस्टिक भी हराम अगर उसके अंदर खिंजीर का चर्बी है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी साबुन हो, शैम्पू हो, या कोई भी पेस्ट हो, अगर उसमें खिंजीर का कोई प्रोडक्ट पाया जाता हो वो हराम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 177वीं आयत में फरमाता है ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين। नेकी इस बात का नाम नहीं है कि तुम मशरक मगरिब की जानिब अपना चेहरा करके अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, बल्कि नेकी इस बात का नाम है कि तुम अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान रखो। मतलब क्या, आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ोगे, अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, और अंबिया पर, आसमानी किताबों पर ईमान नहीं रखोगे तो आपकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ने कहा चाहे तुम अपना क़िबला मशरिक़ बना लो, मग़रिब बना लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाज कबूल करेगा। कब? जब तुम अल्लाह पर, ईमान के 6 अरकान हैं, 6 उसूल हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, ईमान के 6 जुज़ हैं, आमंतु बिल्लाही अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती ही फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबी ही उसके किताबों पर ईमान, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहता है वल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर ईमान, वल खद्री खैरी ही और अच्छी तकदीर पर ईमान, व शर्री ही और बुरी तकदीर पर ईमान। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की ज़ात पर, आखिरत के दिन पर, अंबिया पर, अंबिया की किताबों पर, फरिश्तों पर, ख़यामत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखो। इसमें से किसी एक मामले पर भी अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। क़िबला अल मशरिक़ वल मग़रिब,
इंसान अगर किसी जंगल में चला गया या किसी ऐसी जगह सफ़र में उतर गया, उसे मालूम नहीं हो रहा कि क़िबला किधर है, ना उसे क़िबला देखने का आला मालूम है, ना आसमान में कोई सूरज है, रात का अंधेरा है। अब चला गया कि वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, नई बस्ती है और क़िबला उसे मालूम नहीं हो रहा, तब आप चाहे मशरिक़ चाहे मगरिब चाहे शुमाल चाहे जुनूब जिधर भी रुक करके नमाज़ पढ़ लो, आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जब आपको क़िबला मालूम हो तो क़िबले ही की जानिब रुक करके नमाज अदा करना चाहिए। जब क़िबले की तमीज़ ना मालूम हो, जिधर भी रुक करके नमाज़ पढ़ो, आपकी नमाज़ हो जाएगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह ताला इस पारे के अंदर बदलों का ज़िक्र किया है। क़िसास, क़िसास मतलब बदला। अगर कोई नाहक किसी की जान ले लिया तो जान के बदले जान, आंख फोड़ दिया तो आंख के बदले आंख, उंगली काट दिया तो उंगली के बदले उंगली, अगर कोई किसी का दांत तोड़ दिया तो दांत के बदले दांत। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, ऐ ईमान वालो तुम पर मक़तूलों में बदला लेना हमने लिख दिया है। ये किस लिए है? अल्लाह आगे बयान करता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालो क़िसास में बदला लेने में तुम्हारे लिए एक जिंदगी है, अक्लमंद ही इसको समझ सकते हैं, अक्लमंद ही इसको जान सकते हैं। अगर तुम मुत्तकी हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगियां रखा है। एक ऐसा माशरा जहाँ पर क्राइम करने पर कोई सज़ा नहीं दी जाती, एक ऐसा माशरा जहाँ पर क्राइम या कोई जुर्म करने पर, गुनाह करने पर सज़ाएं दी जाती। चोरी करोगे हाथ कट कर दिया जाएगा, जिना करोगे संसार की मौत उतार दी जाएगी, कत्ल करोगे कत्ल से आपको कत्ल कर दिया जाएगा, अगर किसी के आज़ा काट दोगे आपके भी आज़ा कट कर दिए जाएंगे। जब ये सज़ाएँ होती हुई अपनी आंखों से लोग देखेंगे तो क्राइम नहीं करेंगे, उस माशरे से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। जिस माशरे में मुजरिमीन को सज़ा नहीं दी जाएगी वहाँ पर जुर्म भी बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, गुनाह भी बढ़ेंगे, वो माशरा सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह ताला हमको उसूल से ज़िंदगी गुजारने, किसी का नाहक मर्डर ना करने, किसी का रेप ना करने, किसी की चोरी ना करने और किसी के साथ बदतमीज़ी जुल्म ना करने के लिए ये क़िसास कायम किया गया, इसमें हमारे लिए ज़िंदगी है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला इस बारे में रमज़ान के रोज़ों के बारे में ज़िक्र किया जो इंशाअल्लाह सुबह के दर्स में आप सुनेंगे। फिर अल्लाह कहता है وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دینا میں بالکل ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اگر وہ مجھ پر ایمان رکھیں میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، آپ بتا دیجئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دعائیں کر کر کے، نہیں رے اللہ ہماری نہیں سن رہا، ہمیں بڑے پاپیاں، اللہ سات آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر ہمیں دیکھیں، یہاں زمین پر ہمیں یہاں سے پکارے تو اللہ نہیں سنتا، اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے جائیں گے، یہ اولیاء سنیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، دور بیٹھا ہے، اے اولیاء اللہ کے پاس سفارش کرا کو ہمارے گناہ معاف کرا ڈالو۔ ایسا لوگ جاتے ہیں، یہی ہے حقیقت۔ جبکہ اللہ کیا بول رہا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، اے میرے بندو کوئی مردہ تمہاری بات نہیں سن سکتا، کوئی خبر والا تمہاری آواز نہیں سن سکتا، کوئی بہرے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ سورہ روم کی 52، سورہ نمل کی 80 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے تم کسی بہرے مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ قرآن سورہ بقرہ 186 نمبر آیت میں کیا بول رہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں، آپ میرے اے نبی آپ بتا دیجئے، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں حد سے زیادہ ان کے قریب ہوتا ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں اور ان کو عطا بھی کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کہ اللہ کی آیتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے،
अल्लाह के जैसा सुनने वाला, अल्लाह के जैसा देखने वाला पूरे जमीन व आसमान में कोई जात नहीं है। उसके जैसा सुनने वाला, उसके जैसा देखने वाला ना फरिश्तों में कोई उसकी बराबरी कर सकता है, ना जिन्नातों में, ना इंसानों में, ना अंबिया इकराम में, ना औलिया अल्लाह में कोई उसके जैसा सुन नहीं सकता। सात आसमानों के ऊपर अर्श अजीम पर बैठकर सात जमीनों के नीचे पहाड़ पर रेंगने वाली चूंटी के पैरों की आहट वो सुनता है। एक ऐसा पत्थर, आप स्टोन, उसे पत्थर का कीड़ा कहते हैं। बहुत सारे लोग पत्थर फोड़ने वाले देखते हैं, शंख की तरह गोल घूमकर पत्थर के अंदर बैठा रहता है। कहीं से उस पत्थर में कोई सुराख नहीं, ना ऑक्सीजन जाने, ना पानी ट्रांसफर होने, ना गिजा फूड अंदर जाने, पत्थर ही पत्थर चारों तरफ से अंदर कीड़ा है। अब बताएं उसे खिलाने वाली जात कौन है, उसे पिलाने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला है। वो ऐसी आहटें सुनता है, ऐसी बातें सुनता है, हम एक हद तक सुन सकते हैं, यहां से मैं पुकारा वहां तक सुन सकती हूं, या मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा एक 50 मीटर तक जाती होंगी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप बड़ा स्पीकर रखे हैं तो 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जाती होंगी बस। आधोनी वाले, अब यहाँ ये मिगनूर में मैं बैठा हूँ, तफसीर आधोनी वाले मेरी तफसीर नहीं सुन सकते, कर्नूल वाले नहीं सुन सकते, हैदराबाद वाले, बेंगलुरु वाले तो सवालिश पैदा नहीं होता, दिल्ली वाले, मुंबई वाले तो बहुत दूर हो गए, अब इंडिया छोड़ को अमेरिका वाले तो नहीं सुन सकते। मेरा अल्लाह, आप अपनी जबान से मत बोलो, अब तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, तो सिर्फ तेरे दिल के अंदर ख्यालात पैदा कर, तेरे दिल की आहटों को जानने वाला हूं मैं, तेरे दिल की आहटों को पहचानने वाला हूं। तुझे बोलने के बाद मुझे सुनकर समझने की जरूरत नहीं, तेरे दिल में उठने वाले ख्यालात को तक जानता हूं मैं। जो चीज हम नहीं जानते वो अल्लाह जानता है। अभी 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद मेरे दिल में क्या ख्यालात पैदा होंगे वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरा अल्लाह बेहतर जानता कि 1 घंटे के बाद मेरे दिल में क्या ख्यालात आने वाले हैं। ऐसे अल्लाह को छोड़कर, समी व बसीर अल्लाह को छोड़कर हम दूसरों के सामने दुआ करें, ये हमारी जलालत व गुमराही है। उसके बाद अल्लाह ताला रिश्वत खाने वालों की हराम खोरी के बारे में, इस बारे में बयान कर रहा, सूरह बकरा 188 नंबर आयत। وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ। और अपने माल को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, और ना उन्हीं हाकिमों की तरफ ले जाओ ताकि लोगों के मालों में से एक हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। मतलब क्या, आज के ज़माने में देखो को सा भी धंधा रंधे, कमीशन का धंधा, एक प्लम्बर का काम रंधे, पेंटर का काम रंधे, एक मेस्त्री का काम रंधे, इलेक्ट्रिशियन का काम रंधे, टाइल्स फिटिंग का काम रंधे, कौन सा भी काम रंधे, कमीशन नहीं सो धंधाच नहीं। कमीशना कौन खाती, जिसे आखिरत का डर नहीं उन्हों कमीशना खाती, अल्लाह के पास हिसाब देने का खौफ नहीं उन्हों कमीशना खाती। अल्लाह क्या बोल रहा, वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ ईमान वालों बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार के ना खाया करो। यहां से भेजता उन्हें, कहां ले रही तुम्हें मटेरियल, मैं वो हार्डवेयर में ले रहा हूँ, वो हार्डवेयर में कहीं जाती जी डुबाक मरने मार डालता, हमारे पहचान का एक दुकान है, ये हार्डवेयर को जाओ, कितना देता उन्हें 1000 रुपये डब्बा देता ना, यहाँ जाओ वो डब्बा 800 रुपये की मैं दिला दूँ। इन्हें मिस्त्री ओनर खुश खुश हो जाता, अब्बा मेरा मिस्त्री 1000 रुपये का डब्बा खाली 800 रुपये में दिला रहा ना भाई, कह तो वो दुकान को जाता भाई, मुझे वो मिस्त्री भेजा खत, खाली नाम बोल डाले बराबर उसका लेबल मार डालता उन्हें, अच्छा 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 वो मिस्त्री भेजा क्या, अब इन्हें यहाँ से जाता पीछे से मिस्त्री फोन आ करता, बकरे भेज रहा हूँ बराबर चमड़ी निकाल ले, दबाग निकाल ले, ऊपर से नीचे पूरा छिल ले, तेरा भी निकाल ले मेरा भी निकाल ले, अच्छा उन्हें टोपी डाल ले करा, डबल टोपी उसके सिर के ऊपर पिना को भेज। अब उन्हें क्या बोलता, ये 1000 रुपये का डब्बा वो मिस्त्री का नाम भेजी बोली ना तुम्हें खाली 800 रुपये तुम ना, हालांकि इसका भी कमीशन रख ले को, इसका फ़ायदा रख ले को, उसका कमीशन रख ले को, बेचारे को धोखा दे को, उसके पास से बराबर काट ले को। अभी ने क्या बोल, मेरा क्या भी नहीं भाई इसमें, तुम्हारा फ़ायदा हुआ तो बस, वहाँ से फ़ायदा करता उन्हें बाद में, इन्हें जाने के बाद आता टेबल के नीचे से उसे देता उन्हें ले जा खाता। मेरे भाइयों याद रखो,
ये जितने लोग ऐसा रिश्वत खाते ना कमीशन ना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अल्लाह बरकत नहीं रखे, तुम्हारी जिंदगी खैर और राहत से अल्लाह नहीं रखता। परेशानियाँ, जिल्लत, अजाब अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर बना डालता। एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मुंह मार के खाओगे, कभी ऐसे लोग तरक्की नहीं करेंगे, कभी सुकून की नींद नहीं सोएंगे। इसीलिए कभी भी कमीशन नहीं खाना, किसी के कमीशन में इन्वॉल्व नहीं होना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वखातिलू फी सबीलिल्लाहिल लज़ीना युखातिलूनकुम वला तअतदु इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतदीन। और अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज़्यादती मत करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह ताला उनसे लड़ने के बारे में कह रहा है जो हमसे लड़ना चाहते हैं। लोग क्या समझते हैं, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे अहज़ाब, जंगे खंदक, जंगे खैबर, जंगे हुनैन, मतलब तलवार के नहीं भाई। जब उन लोगों की तरफ से ऑफर आते थे मारने के, लड़ाई के, उनके दिफा में, डिफेंस में इस्लाम बस अपना डिफेंस में लड़ा है। इस्लाम खुद बढ़ चढ़ कर जाकर हमें तुम ना मारते देखोगे तो कभी भी जाकर नहीं लड़े। जब वो लोग हमला करने आते थे, अल्लाह के नबी उनके दिफा में जंगे लड़ी हैं। अल्लाह ताला यही कहता है, वखातिलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ना चाहते हैं, उनसे मत लड़ो जो तुमसे लड़ना नहीं चाहते। और याद रखो, अगर लड़ाई करने जा रहे हो तो वला तअतदु, हद से ज्यादा मत आगे बढ़ना। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, ज्यादती करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। हमारे नबी जिहाद पर जाने से पहले सहाबा को ट्रेनिंग देते थे, क्या बोलते थे, अरे मेरे सहाबा, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, रास्ते में दुश्मनों की बस्तियां आएंगी, काफिरों की खेतियां आएंगी, यहूद और नसरानियों के बगीचे से, उनके खेतों से हम गुजरेंगे। याद रखना, किसी के बगीचे में कोई फसल कोई बर्बाद ना करे, किसी के फसल को नहीं छीना। काफिरों के रहंदे, मुशरिकों के रहंदे, उनके फसल को हाथ नहीं लगाना। अगर कोई रास्ते में औरतें आ जाए, औरतों पर जुल्म नहीं करना। बच्चे आ जाए, बच्चों पे तलवार नहीं उठाना, बूढ़ों पे तलवार नहीं उठाना। मैदान जंग में भी हैं, आप उसे मारना चाहते हैं, वो हथियार डालकर अपने आप को सरेंडर कर दे तो आप उस पर हथियार नहीं उठाना। भागने वाले का कभी पीछा मत करना। उनके जानवरों पर कब्जा करके, जानवरों को चोरी करके, नाहक काट के नहीं खाना। ये ट्रेनिंग देते थे हमारे नबी। दुश्मनों और सायादार दरख्त को कभी मत काटना, अल्लाह के नबी की तालीमात हुआ करती थी। लोग समझते हैं कि इस्लाम जंग पर जोर पर, तलवार के जोर पर फैला, नहीं। इस्लाम में अमन है, शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, पीस है। इंसानियत का सबसे बेहतरीन दर्स है इस्लाम के अंदर। फिर अल्लाह ताला कहता है, व अनफिकु फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कु बिअयदिकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। एक मर्तबा मैदान जंग में, इधर सहाबा हैं उधर मुशरिकीन हैं, अंसार सहाबा में से एक सहाबी मुशरिकीन के सफ़ों में घुस गए और मारते मारते कई लोगों को खुद भी शहीद हो गए। लोगों ने कहा, क्या ज़रूरत थी भैया अकेले अंदर घुसने की, खुद ब खुद अपने आप को हलाकत में डालने के वास्ते उन्होंने चले गए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम उनके बारे में कह रहे हो जिनके बारे में अल्लाह ने हमारे फजीलत के शान में कुरान की आयतें नाजिल किया। जब आप अपना गांव, अपना बस्ती मक्का छोड़कर मदीना आए थे, हम अंसार अपने माल को, अपने बगीचों को, अपने घरों को, अपनी बीवियों को तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया। हम ये नहीं देखे हम क्या कर रहे हैं, हमने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज तुम अंसार के बारे में ऐसे जुमले कहते हो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अंसार ने अपनी बर्बादी की परवाह नहीं की, अल्लाह की रजा की खातिर सब कुछ खैरात कर दिया। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है, देखिए खर्च करने में दो चीज़ें हैं, एक फ़र्ज़ सदका है, एक दूसरा नफिल सदका है। फ़र्ज़ सदक़े में ज़कात है, नफिल सदक़े में सदक़ात व खैरात है। फ़र्ज़ सदक़ात
उसी के ऊपर फर्ज है जिसके पास 80 ग्राम सोना या उसके मकदार के बराबर माल हो, एक साल पड़ा रहे, वही ज़कात अदा करेगा, उससे कम वाले माल वाले ज़कात अदा नहीं करेंगे। ये फ़र्ज ज़कात वाले हैं मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद हज उम्रा के बारे में अल्लाह ताला इस बारे में बयान करता है, वातिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए तुम किया करो। आज हज और उम्रा लोगों को दिखाने के वास्ते करती हैं, जाको हज के लिए एहराम का कपड़ा डाल लिए, सेल्फी उतर दी, काबतुल्लाह में गए सेल्फी, हजरे असवद के पास गए सेल्फी, तवाफ़ करते वक्त सेल्फी, सही करते वक्त सेल्फी, सिर मुंडाले को गुंडू कर लिए गुंडू की एक सेल्फी, हर चीज़ इंडिया वालों को भेजती, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं कहाँ हूँ। अल्लाह बोलता वातिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज करवा, अल्लाह के लिए उम्रा करवा, लेकिन इन्हें नहीं, दुनिया को दिखाने के वास्ते हज करता, दुनिया को दिखाने उम्रा करता, यहाँ तक के हज कर ले वापस आ भी जाता। जब बच्चों की शादी आती, शादी के कार्ड में अल हाज, हाजी मस्तान वली साहब, डायरेक्ट मस्तान वली नहीं लिखना, अल हाज मस्तान वली साहब लिखना, अल हाज खारी पीरा साहब का तो लिखना, डायरेक्ट नामा नहीं लिखना, अल हाज हाजी साहब, कौन तो भी नाम से बुलाए, नाम नहीं बुलाना, हाजी साहब बुलाना इनको। कहीं को भाई रोज़ा रखने वाले को रोज़दार अब्दुल रहीम साहब का तो भी बोलती हैं क्या? नहीं ना। नमाज पांच वक्त की पढ़ती हैं तुम्हें, नमाजी अब्दुल्ला भाई आग बैठो कौन तो बोलती, नहीं ना। कुरान भी पढ़ती तुम्हें, खारी अब्दुलरहमान साहब तशरीफ लाइए कौन तो बोलती, नहीं ना। कुरान पढ़ने वाले को खारी नहीं बोलते, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी अब्दुल्ला नहीं बोलते, रोज़ा रखने वाले को रोज़दार अब्दुल रहीम नहीं बोलते, हज करने वाले कई खाजी बोलना, कौसी हदीस में है, कौसी आयत में है। हमें अल्लाह हमारी नेकियों को सत्यानाश करता जाएगा। हज करी अल्लाह के वास्ते कर को भूल जाओ, किसी को नक्को बोलो तुम ना मालूम क्या जी, 1980 को पाँच से पहले जहाज़ा में हज करे वाले हमें, हमारे हज में ये हुआ। अरे क्या ज़रूरत है भाई सुनाने की, हज करे रंगा अल्लाह तौफीक दिया रंगा, वो बोलने को नक्को फिरो। और आज के ज़माने में जो हज करने जाती उम्रा करने, सेल्फियाँ उतार को दुनिया वाले को नक्को दिखाओ, तुम्हारा इखलास चले जाता, तुम्हारा सवाब कम हो जाता। अल्लाह के वास्ते नेकी करो भूल जाओ, गुनाह करो तो याद रख कर तौबा करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करे। अच्छा हज के अल्लाह ताला हज के बारे में फरमाता है अल्लाह के नबी, खुजू अन्नी मनासिककुम, मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखा करो। हज वैसा ही करना चाहिए जैसा नबी करके बताए, उम्रे वैसे ही करना चाहिए जैसे नबी करके बताए। हमारे नबी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज करे, चार उम्रे करे। हज भी वैसा ही करना चाहिए, उम्रा भी वैसा ही करना चाहिए जैसे सही अहादीस में लिखकर है। बाज़ लोग तवाफ़ करने जाको, एक एक तवाफ़ में एक एक दुआ, सात तवाफ़ा में सात दुआ, जबकि नबी बोले च नहीं वैसे दुआयाँ लोगन जाको करती, और ऐसे ऐसे शिरक के कामा करती हैं, ऐसे बिदात के कामा करती हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अब वहाँ जाको अरफात के मैदान में, मिना मुजदलिफा में, वो दीवालों को खिकर ले खड़ जाती, वहाँ की मिट्टी उठा ले खाती, वहाँ के भतरे उठा ले खाती, अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं करना। और पास लोग ओहद के पहाड़ पर, वो ओहद के मैदान में एक छोटा पहाड़ है, वहाँ पर वो ओहद का पहाड़ नहीं है, वो उस पहाड़ी पर चढ़कर भतरियाँ के ऊपर अपना नाम, अपनी बीवी का नाम लिखती, मुझे समझ में नहीं आया वो कई को लिखती हैं कने। और अरफात के मैदान में जो मीनारा है उसके ऊपर भी मारकर पन्ना रख ले दे रही थी, वहाँ नहीं मिटने वाला, अस्तग़फिरुल्लाह, हज करने गया गर्लफ्रेंड का नाम लिखता, और उन नामों को सारे हाजियाँ खुंदल ले को फिरती चपला के पवा से, किसी का नाम अब्दुल्ला रहता, अब्दुलरहमान रहता, अब्दुलरहीम रहता, अल्लाह के नामा रहती, वो फतरियाँ के ऊपर अखल नहीं सो लोग ऐसे बिदात व खुराफात के काम करती। हज में उम्रा में कभी भी ऐसे गलत कामा नहीं करना, तबर्रुक के तौर पर वहाँ की मट्टी गते फतरे गते ले लेक नहीं आना। बस लोग काबतुल्ला को पिशानी रख ले खड़ जाती, खैर खड़ रहे रहेंगा दुआ करे रहेंगा करो, वताश नहीं करते, नीचे से चोर कामा वो नाखून ले को काबतुल्ला के खिलाफ की खिकर ले को, एक धागा निकलता ज़्यादा खुजाए तो हल्लू एक धागा, वो धागा खींचे सो झपा ले को घट पाड़ का, यहाँ आको जुमा जुमा देख ले को हंग हंग लगा ले, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या क्या इनके अकल को पर्दे पड़े, ऐसे नहीं करना, ऐसे कामा नहीं करना, अल्लाह के वास्ते नहीं करना। उसके बाद
अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में कंप्लीट दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस्लाम में कंप्लीट आ जाओ, अल्लाह ताला बोला। कंप्लीट आना मतलब हमें अनकंप्लीट हैं, अभी कंप्लीट नहीं है। एक कदम इस्लाम में है, एक कदम दुनिया में है हमारा। आधे मुसलमाना आधे यहूदियाँ हमें बर्थडे का केक भी बना को बच्चों को खिलाती, इधर मुहर्रम में चोंगे बना को भी खाती, उधर दीपावली में पटाखे भी ला को फोड़ती और नमाजा भी पढ़ती, दाढ़ियाँ भी मुंडाती। कंप्लीट मुसलमाना नहीं हमें। कंप्लीट मोमिन कैसा रहता? दाढ़ी मुंडाने वाला नहीं रहता। सहाबा में एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते आप जो दाढ़ी शेविंग करते हो। मेरा चैलेंज है, नहीं बता सकते। मोमिन है, अल्लाह के लिए दाढ़ी छोड़ो। ये दाढ़ी कहीं छोड़ो, ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे नबी बोले। यहूद दाढ़ी मुंडाने वाले, मोमिन दाढ़ी रखने वाले, यही तुम्हारी दाढ़ी कयामत के दिन नूर बनकर चमके। तुमने जरूरत नहीं क्या कयामत के दिन नूर की, रोशनी की जरूरत नहीं? पुल सिरात पार नहीं कर पाओगे तुम अगर तुमको नूर नहीं मिलेगा। जो पुल सिरात पार नहीं करेंगे वो जन्नत में हरगिज नहीं जा पाएंगे। अल्लाह ताला नूर अता करेगा इस दाढ़ी के जरिए। मोमिन हो तो दाढ़ी रखो, दाढ़ी मुंडा कर यहूदियों जैसे मत बनो। हलाल खाओ, हराम मत खाओ। हम मुसलमान भी हैं, नमाजा भी पढ़ती, हराम का भी खाती, हमें कैसे जी मुसलमाना? अल्लाह यही बोल रहा, तुम अभी मुकम्मल इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए वो शैतान की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह बोलता, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसके बाद अल्लाह फरमाता, अम हसीब तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलो मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यकूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। क्या तुमने समझ लिया है? तुम्हारे बाबा अहले हदीस, तुम्हें अहले हदीस, तुम्हारे बाबा मुसलमाना, तुम्हें मुसलमाना, अल्लाह फ्री में उठा जन्नत में डाल डालता का तुम समझ लें क्या? नहीं। जब तक आजमाइश की चक्की में डालकर हम पीसेंगे नहीं, तुम्हें का असली कौन, नकली कौन, मोमिन कौन, मुनाफिक कौन, पक्का ईमान वाला कौन, कमज़ोर ईमान वाला कौन, हलाल खाने वाला कौन, पक्का मुवाहिद कौन, हम जांचेंगे नहीं, आपको फ्री में जन्नत देंगे नहीं। अल्लाह खुद फरमा रहा, तुमसे पहले वाले लोगों को हमने आजमाया, चीख पड़े वो लोग। अल्लाह ताला ने कहा कि अब हमारी मदद तुम्हारे नज़दीक है, अब हमारी मदद आएगी। अए उम्मत मोहम्मदिया, याद रखो जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा उसे आजमाएंगे हम, तभी आजमाने के बाद ही जन्नत देंगे। हमारे नबी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, सबसे कठिन आजमाइशें अंबिया की अल्लाह लेते, उससे कम तर आजमाइशें अल्लाह ताला जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा वैसी लेते। जिसे अल्लाह नहीं आजमा रहा, समझ लो ये दुनिया जीने के वास्ते छोड़ डाला, आखिरत जहन्नम उसके लिए। आजमाइश में है तो समझ लो अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा, उसी से अल्लाह आजमाता जिससे अल्लाह मोहब्बत करता। किसी की आजमाइशें बड़ी रहती, किसी की आजमाइशें छोटी रहती, लेकिन आजमाना अल्लाह की मोहब्बत की अलामत। हर आजमाइश में सब्र करना, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करना। सब्र करने वालों को अल्लाह बशारत दे रहा। आज के पारे में वही आयतें हाफिज साहब पढ़ रहे थे, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। हम खेती में कमी पेशी करके आजमाएंगे। ये साल बारिश ही नहीं काम भी, देखो तुम्हें नदियाँ, नाले, ड्यामा, बोरा सब सुखो हैं, अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह बोलता हम किसी वक्त हद से ज्यादा बारिशें देके मालों बस्तियों को तबाह बर्बाद करके आजमाएंगे, किसी साल मुकम्मल बारिशें रोक कर खैर साली के अय्याम लाकर भी आजमाएंगे। आजमाइश है सब्र करना, अल्लाह से मदद तलब करना। हम ना मुसीबत आई का तो शिर्क के कामा करने नहीं जाना। बाज़ लोगा बकरा गऊ के बाहर लग जा को उल्टा जिंदा बकरा धन को टंगा डाल, तड़प 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 को मरता हो, वो मरया तो बारिश आती है तो बकरे को जुलूम करती। बाज़ लोगा मेंढुक और मेंढुकनी की शादी करती, बारिश आती रेगत बोल को, वो अल्लाह राम को सी बुढ़ी बोल को गई की वो। और बाज़ लोगा सौ सूपा लग जा को गऊ के किनारे सड़ डालती, सौ सूपा, वो सूपा में ज़रा चावल गते अभी क्या क्या कि ले लग जा को, सौ सूपा घर में रख लिए तो ज़रा क्या तो भी फछाड़ने के काम तो भी आता, लग जा को गऊ के बाहर सड़काती, बारिश आती गते। मेरे भाइयों तौबा इस्तगफार करे बारिश आती। अल्लाह बोलता
ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करोगे मौसलाधार बारिश अल्लाह तुम्हारे लिए अता करेगा। गुनाहों से तौबा करते नहीं, मेंढुका के शादियाँ करा लेक बैठती, बकरियाँ उल्टे टंगा लेक बैठती, क्या क्या की करती। खैर, अल्लाह ताला की आजमाइश बिलाल हबशी, सुहेब रूमी, खब्बाब बिन अर्द, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया, ऐसे सहाबा इकराम को ऐसी ऐसी आजमाइशों में अल्लाह ताला ने आजमाया कि इनकी आजमाइशें हमारे लिए मिसाली हैं, इनकी आजमाइशें, इनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मिसाली हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, तुम में से कोई मुशरिक औरतों से निकाह ना करे, तुम में से कोई मोमिन मर्द किसी मुशरिक औरत से निकाह ना करे, कोई मोमिना औरत किसी मुशरिक मर्द से निकाह ना करे। आज देखिए, हम अपने बच्चियों को आला तालीम के लिए कॉलेज के हवाले करें, हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां, हमारी बहनें गैरों के साथ भागकर इस्लाम से मुर्तद होकर गैरों से शादी कर रही हैं। अल्लाह कुरान सूरह बकरा 221 नंबर आयत में कहता, ए मेरी मोमिना बंदी, तेरे लिए एक मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से, तू किसी गुलाम से निकाह कर ले, लेकिन मुशरिक मर्द से निकाह मत कर, तेरा ईमान सत्यानाश हो जाएगा, तेरे हाथों से तेरी जन्नत चली जाएगी, मुर्तदों को उठाकर अल्लाह जहन्नम में पटकेगा। और ऐ मोमिना औरत, तुम्हारे लिए एक मोमिन मर्द बेहतर है मुशरिक मर्द से, ऐ मोमिन मर्द, तुम्हारे लिए मोमिना औरत बेहतर है किसी मुशरिका औरत से। गर्लफ्रेंड कहते, बॉयफ्रेंड कहते, मैं शादी करी तुझसे साथ इजमा करने का, तो करती क्या, नहीं नहीं कहतो, क्या तो बिप्पी को मरतू, नहीं कहतो दाले को अटक तू, नहीं कहतो कान तो कट को मरतू, नहीं बोड़ी में कूद, ऐसे धमकियां बच्चे देती। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बेटी, ये जान ले तेरा ईमान तेरे पास है, अगर तू मुर्तद होंगी अल्लाह के जहन्नम में जाएंगी। अपने कौम को रुसवा मत कर, अपने बाप को रुसवा मत कर, इस्लाम को बदनाम मत कर। इस्लाम की हक्कानियत इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तौहीद की दौलत, वो तौहीद की दौलत चले जाएगी अल्लाह ताला बर्बादी के नतीजे पर लाकर खड़ा करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला हैज के बारे में जिक्र करता है। इस बारे में वो यसअलूनका अनिल महीज कुल हुवा अज़न फअतज़िलुन्निसा फिल महीज, लोग आपसे ऐ नबी हैज के बारे में सवाल करते हैं, आप बता दीजिए वो एक गंदगी है, उससे औरतों से दूर रहें, जब औरतें पाक हो जाएं तो औरतों के नज़दीक जाएं, हैज के अय्याम में औरतों से दूरी इख्तियार करें, ये जायज़ नहीं है। फिर अल्लाह ताला आगे की आयत में कहता है निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शीतुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जैसा चाहे अपनी खेती को इस्तेमाल करो, अपनी बीवी को मोहब्बत के लिए जैसा चाहे इस्तेमाल करो, लेकिन औरत को पीछे के रास्ते से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे एक मर्द मर्द के साथ सेक्स करता है, औरतों से पीछे के रास्ते से इस तरह कोई मिलता है, अल्लाह के नबी ने कहा उसके लिए गुनाह है, अल्लाह की लानत है उस पर जो औरत को पीछे के रास्ते से नाजायज तौर पर मिलता है। अगर कोई ऐसा कर बैठा, उसके लिए एक खजूर की गुठली के आधे में का आधा रुबो सोना अल्लाह के रास्ते में जब तक वो नहीं देगा, इस गुनाह का कफारा उसका अदा नहीं होगा। मैं इशारतन बयान कर रहा हूँ, मेरी बहनें भी हैं, आप भाई भी हैं, अकलमंद हैं, पीछे के रास्ते से जायज़ तरीके से भी मिल सकते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके से मिलना अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया, जिसे लिवातत कहते हैं, जैसे मर्द मर्द से लिवातत करते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदो, इद्दत के अहकाम अल्लाह ने बयान किए, औरतों की इद्दत बहुत सारे तरीक़ों से है। अगर कोई औरत को कोई मर्द तलाक दे दे तो तीन हैज उसकी इद्दत है। किसी औरत को पीरियड मंथली कंटिन्यू बराबर नहीं आते तो उसकी इद्दत सिर्फ 3 महीने है। पीरियड बराबर आएंगे तो 3 हैज है, पीरियड परफेक्ट नहीं आएंगे तो 3 महीने है। उस 3 महीने के अंदर वो चाहे तो अपनी बीवी को रुजू कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। एक इद्दत ये हो गई। हामिला औरत की इद्दत बच्चा पैदा होकर निफास से पाक होने तक है। अब जिस खातून को जिसका शौहर मर गया, तलाक की नहीं बल्कि शौहर इंतकाल कर गया, उसके भी 2 तरीके की इद्दतें हैं। एक इद्दत यह है
कि जिसका मर्द मर गया अगर वो औरत हामिला है तो बच्चा पैदा होकर उसके निफास के खून से पाक होने तक उसकी इद्दत है, अगर वो हामिला नहीं है तो 4 महीने 10 दिन मर्द के इंतकाल के बाद औरत की इद्दत है। तलाक होने पर 3 महीने इद्दत, मर्द मरने पर 4 महीने 10 दिन इद्दत। चाहे तलाक हो चाहे मर्द मर जाए, हामिला है तो बच्चा पैदा होकर उसकी निफास से पाक होने तक उसकी इद्दत। ये इद्दत के अहकाम अल्लाह ने इस बारे में बयान किए। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला महर के बारे में भी इस बारे में बयान करता है। महर आपने जितना लिखा है उसको देना होगा। बाज़ लोग शान बढ़ाने के वास्ते निकाह की महफिल में बैठ को डाल रहे, सिफर 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 सुनने 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 जीरो 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 डाल लो गति, इन्हें देता नहीं उन्हें लेती नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा मेहर वो चीज़ है जो तुम्हारी बीवी का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम मेहर ही नहीं दोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी, मेहर देना चाहिए। बाज़ लोग उधार मेहर लिखा को जिंदगी भर सताले खबर में चले आती, बुढ़ियाँ ज़बरदस्ती घसीट लगाती हैं, बख्शना मेहर बख्शना, अस्तग़फिरुल्लाह। उन्हें मेहर कई कुछ ही बख्शेंगी, कौन सी हदीस में लिखो है जी मेहर बख्शने का? मर्द मरिया तो बीवी खींच लगाती मेहर बख्शा ने, और बेटा मरिया तो बुढ़ी अम्मा को खींच लगाती दूध बख्शा ने। कहाँ है भैया लिखो, हम ना तो पूरे हदीसा कहते 10 साल हमें पढ़ को हो गया हजारा के, वो दूध बख्शने वाली हदीस मेहर बख्शने वाली हदीस हमने नहीं मिली। ये नानी अम्मा दादी अम्मा बना लिए सो उसूल, ऐसा किसी हदीस में नहीं है। मेहर आपने बांधा है तो देना होगा। अगर आपने किसी औरत के साथ निकाह किया, हम बिस्तरी नहीं की, आपने उसे तलाक दे दिया तो आधा मेहर आपको देना होगा। अगर आपने किसी औरत से निकाह किया, हम बिस्तरी नहीं की, तलाक दे दिया तो उस औरत की कोई इद्दत नहीं है। हम बिस्तरी के बिना तलाक देने दी जाने वाली औरत की कोई इद्दत नहीं है। हम बिस्तरी हो गई तब उसके लिए इद्दत है। अच्छा, इस पारे का लास्ट चैप्टर तालूत और जालूत का चैप्टर। एक बादशाह था जालूत नाम का, जालिम बादशाह। बनी इसराइल के एक बस्ती पर जाकर उसने हमला किया और इस बस्ती के औरतों को गुलाम बना लिया, बच्चों को गुलाम बना लिया और इनके माल को कब्जा कर लिया। बनी इसराइल घबरा गई, ये जालूत जालिम बादशाह कहां से आ गया, कैसा इन्हें मार रहा, कैसा लोगों को जुल्म कर रहा, क्या करेंगे, भाग गए बनी इसराइल। अब एक जगह जाको जमा हुए, क्या करना, जालूत को मारना, जालूत को टक्कर लेना, जालूत के साथ जंग करना, कैसा लड़ना, कैसा इसे मिटाना। सब ने आपस में इकट्ठा हो गए। अब सिपहसालार कौन बनेगा, सिपहसालार कौन बनेगा, हमारा कमांडर कौन बनेगा। बाजू की बस्ती में अल्लाह के एक नबी थे, उस नबी से जाकर मशवरा करे कि भाई हमारा कोई सिपहसालार आप बना दीजिए। उस नबी ने उसी बस्ती के एक गरीब आदमी को जिसका नाम तालूत था, तो अलीफ लामोते, तालूत को उनका कमांडर बना दिया, सिपह सालार बना दिया। सारे बस्ती वाले एतराज करने लगे, अजी हमारे बस्ती के कौन से तो हट्टे कट्टे बड़ी बिल्डर आदमी को कमांडर बनाओ जी, नहीं बोले तो जो पैसे में बड़ा है उसे बनाओ जी, ये गरीब आदमी देखने भी मोटा कट्टा नहीं, ये इसे तुम्हें बनाए ना। अल्लाह के नबी बोले अल्लाह का यही हुक्म है कि तुम्हारा सिपहसालार वही रहेगा, तुम उसको उसकी इताअत करना होगा। उन्हें पैसे वाला नहीं, उन्हें कटसा वाला नहीं, ये सब भी नहीं देखना, अल्लाह की इताअत करना। अब जाकर जंग लड़ना, अच्छी बात, मुंह मुछले गए। बाज़ लोगों के दिल में खलीश है, ये आदमी को जा हमारा कमांडर बना, इन्हें कहेगा जंग जीतता, हमें कहाँ से जालूत को मारती। उनके दिल में खलबली है, ये जंग जीतते नहीं रहे, हमें हार को आ जाती रहे। अल्लाह उनको आजमाया। धूप काले का मौसम है, धूप में जा रही इनो, अल्लाह ताला बोल दिया नबी के जबान से, आइंदा आने वाले मुकाम पर एक नदी आएगी, पानी का चश्मा, वो पानी के चश्मे में तुम ना प्यास लगी है, सफ़र में है तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन याद रखना जो उस नदी का पानी पी लेगा वो हम में से नहीं होगा, अल्लाह ताला उसे कामयाबी नहीं देगा। जो नदी का पानी नहीं पिएगा वही हमारा होगा, अल्लाह उसे कामयाबी देगा, अल्लाह ताला उसे नजात देगा। अब ये बात बोलने के बाद सब लोग परेशान हो गए, एक तो प्यासे हैं, सामने पानी भी मिल रहा, पीना भी नहीं कहते, ये कई का जुल्म भाई। फिर भी अल्लाह के नबी बोले हाँ, हाथ में एक मरतबा चुल्लू में पानी लेने के बाद जत्ता पानी सिंगल एक चुल्लू आता वत्ता पीना आगे बढ़ना। पानी मिला का तो घटाघट 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 ऊँट पी सका, पीना नहीं, कीच एक चुल्लू उठा पीना, निकलते रहना।
जो एक चुल्लू से ज्यादा पींगा वो हमारे में नहीं रहेगा। हुआ ऐसा, जब आए वो नदी आई, ठंडा पानी बह रहा था, सारे लोग अल्लाह की नबी की उस बात को भूल गए और घटाघट पानी पीना शुरू। अक्सर लोगों ने पिया, जितने लोग पिए सुस्त बैला होकर सो गए। जो अल्लाह के हुक्म और इताअत करते हुए कीचक चुल्लू पानी पिए, हट्टे कट्टे ताकतवर होकर आगे बढ़े, आखिरकार तालूत लश्कर की कियादत से जालूत बादशाह की टक्कर हुई, अपने हाथों से जालूत बादशाह का कत्ल कर दिए। इस तरह मुसलमानों को फतह हुई। आज भी आजमा को देखो आप लोग, दिन भर रोजे से रहती हमें, भूखे प्यासे रोजे से रहती, रोजे से जब भूखे प्यासे रहती अच्छा एक्टिविट रहती, जब इफ्तारी कर लेती पानी शरबत कहते फ्रूट कहते समोसे कहते जूसा कहते पीती, सुस्त बैला हो लंबे सोया छोड़ कहीं को कितना पीना वताज पीना। हमें क्या करती है, सुबह से भूखे हिना का दबा को पूरी बाटल उठा डालती, पूरी बाटल पियेंगे हद से ज्यादा प्यास मिटेंगे, सुस्त बैला हो जाएंगे। इसीलिए जरा पीना, जरा वक्फा छोड़ना, फिर जरा पीना। हमें क्या करती, भूखे फकीरा हो बैठे से दबा खाले छोड़, जर्रा जर्रा खाना, अल्लाह एनर्जी देता। ये हिकमत है इस आयत के अंदर, अल्लाह जर्रा पियो बोल रहा, कितनी भी भूख लगे दे। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के बारे में मैंने जितनी बातें आपके सामने पेश किया उसमें तीन सवाल मैं आपको करूंगा, आपको जवाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला चंद चीज़ें हमारे लिए हराम करने का जिक्र किया इस पारे के अंदर। वो चार चीज़ें हैं, वो चार चीज़ें हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस पारे में किया, जो शुरू में मैंने बयान किया। वो चार बातें कौन सी हैं, कोई एक शख्स उठकर बोल सकता है चार बातें कौन सी थी जो अल्लाह ताला एक ही आयत में चार चीज़ों का जिक्र कर रहा है? मुर्दार, माशाल्लाह, जजाकल्ला, जजाकल्ला, अल्लाह जजाय खैर दे आपको, माशाल्लाह आप बेहतर जवाब दिए। हमारे भाई को एक बाटल गिफ्ट दी जाती है, आप आएँ ये गिफ्ट ले लें, जजाकल्ला खैर। ये देखने में मामूली लग रहा होगा लेकिन अल्लाह की निगाह में आपके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है ये जमात में आकर गिफ्ट लेना, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, शुक्रान बराक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला चेंज करने का जब हुक्म मिला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले की दावत में दावत खाने गए थे? वो कौन सा कबीला था जिसकी दावत में नबी दावत खाने गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत खाने के बाद नमाज पढ़ाते पढ़ाते क़िबला चेंज किया गया? कौन उठकर बोल सकते हैं वो कौन से कबीले की दावत में आप अलैहि सलाम गए थे? आज की अभी तफसीर में मैं बयान किया, कबीले बनू सलीम, माशाल्लाह, जजाकल्ला बारकल्ला, अल्लाह आपको जजाय खैर दे। दूसरे सवाल का जवाब भी ठीक ठीक दे डाले हमारे भाई। अब तीसरा सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को हराम चीज़ें खाने से मना किया, हराम चीज़ों के खाकर अगर कोई शख्स इबादत बजा लाए या इबादत करे तो किस बिना पर अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल ना करने के सबब से किन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हराम चीज़ से मना किया? मतलब सवाल मैं और एक मर्तबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन में पाक चीज़ें भी बनाया, नापाक चीज़ें भी बनाया, नापाक चीज़ों से बचते हुए पाक चीज़ों को खाकर अल्लाह तबारक व ताला किस हिकमत की वजह से नापाक चीज़ों को खाने से मना किया और किसकी पैरवी से अल्लाह ने मना किया, इसकी हिकमत क्या? नापाक चीज़ें खाने से क्यों मना किया गया, किसकी पैरवी से अल्लाह ने बचाया? शैतान की पैरवी से अल्लाह ने मना किया, लेकिन इसकी हिकमत क्या? नापाक चीज़ों को खाने से क्यों अल्लाह मना किया, क्या हिकमत है इसके अंदर?
शैतान नापाक चीज़ों को खिलाना चाहता। खैर ये तो पहली बात हो गई। दूसरी, इसमें हिकमत क्या है, इसके अंदर हिकमत क्या है जी? जी अपनी सेहत के लिए बेहतर है और एक दूसरे का नुकसान है। सबसे अहम बात मैं जो तफसीर में बोला हूँ वो बताइए, हराम चीज़ें खाएंगे जी रोज़ी हराम हो जाएंगी, वो नहीं है। हिकमत क्या है, क्यों अल्लाह हमने हराम खाने से मना कर रहा? आजमाना नहीं है। सबसे बड़ी हिकमत ये है, बोलिए, अल्लाह ताला किसी की इबादत कबूल नहीं करता। सबसे बड़ी हिकमत ये है, हराम चीज़ों से जो अल्लाह हर जगह मना कर रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ ईमान वालों हराम पाक चीज़ें खाओ, नेक अमल करो। अगर पाक चीज़ें नहीं खाओगे, हराम खाओगे, तुम्हारी कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं। सबसे बड़ी हिकमत क्या है, हराम चीज़ें खाओगे तुम्हारी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करें। जज़ाकल्लाहु खैर दीजिए, शुक्रिया, बारकल्ला। फिर भी आप बहुत गौर से सुने हैं माशाल्लाह। शायद आज मैं एक घंटा ले लिया आपका वक्त, क्योंकि बाज़ ख़वातीन के मसाइल भी थे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान के कुरान के तफसीर से इस्तेफादा हासिल करके ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। क्या हम रोज़ा अज़ान होते वक़्त खोल सकते हैं? बेशक खोल सकते हैं। अज़ान होते वक़्त किसी भाई ने सवाल भेजा है, अज़ान होते वक़्त रोज़ा खोल सकते, बेशक खोल सकते हैं। अज़ान कब दी जाती? मुकम्मल सूरज डूबने के बाद ही अज़ान दी जाती। अज़ान की आवाज़ सुनकर आप बेशक रोज़ा खोल सकते हैं। रोज़ा खोलते वक़्त अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु, ये दुआ पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता बिस्मिल्लाह बोलकर रोज़ा खोलना है। जैसे ही कुछ शरबत या जूस पानी पियोगे, ज़हबा ज़माउ अब्तलतिल रूहु व सबतल अज्रु, इंशाअल्लाह ये दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाली दुआ ये ज़ईफ़ हदीस है, बल्कि सही हदीस ज़हबा ज़माउ वाली है। बिस्मिल्लाह बोलकर इफ्तारी करना है। अज़ान की आवाज़ सुनकर बेशक रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।